आजकल की स्ट्रेस और दौड़ भाग भरी दुनिया में महिलाओं में थायराइड एक कॉमन प्रॉब्लम डिसऑर्डर बन गई है। इनफैक्ट भारत में इस टाइम पे 4.5 करोड़ लोग थायराइड से जूझ रहे हैं। फीमेल्स में एज कम्पेयर टू मेल्स थायराइड होने के चांसेस 5-8% ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट हर 8 में से एक फीमेल को अपनी लाइफ में थायराइड से जूझना पड़ता है। थायराइड आपकी अंगों को यानी कि सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करता है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में चेंजेस लाते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। इसी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि थायराइड डिसऑर्डर आखिर होता क्या है। थायराइड एग्जामिनेशन बिटवीन तब थायराइड रिलेटेड डिजीजेस हो जाते हैं। द पर्सन बिकम्स स्लो इन थिंकिंग, स्लो इन वर्क, गेट्स टायर्ड वेरी इजीली एंड सो ऑन। थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे नेक के पास होता है, जो थायराइड हार्मोन रिलीज करता है। इससे हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इससे हमारा बॉडी वेट और हार्ट रेट कंट्रोल में रहता है, एंड हमारी बॉडी कितनी एनर्जी बर्न करेगी ये भी इससे कंट्रोल में रहता है। लेकिन जब इस हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है तब आपको वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स होती है, पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है एंड इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। थायराइड होने के कुछ कॉमन कॉजेस हो सकते हैं जैसे कि आयोडीन की कमी, स्ट्रेस, पोल्यूशन, या अगर आपकी फैमिली में किसी को ऑलरेडी थायराइड है तो उससे भी आपको थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थायराइड डिसऑर्डर जनरली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें जो आपका थायराइड हार्मोन है वो कम सिक्रीट होता है। ये बहुत ही कॉमन थायराइड डिसऑर्डर है जो कि हमारी 5% ऑफ द पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका जो थायराइड हार्मोन है वो ज्यादा सिक्रीट होता है। अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उससे आपको वेट गेन, ड्राई स्किन, मसल पेन, जॉइंट पेन, मसल वीकनेस और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उससे आपका हार्ट रेट बढ़ जाना, वेट लॉस, घबराहट और नींद में कमी होने वाली जैसी प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। क्योंकि आज का टॉपिक फीमेल्स के बारे में है तो थायराइड की वजह से उनमें क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। फीमेल्स को थायराइड की वजह से प्यूबर्टी में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि बहुत अर्ली प्यूबर्टी हो सकती है या बहुत लेट प्यूबर्टी हो सकती है। थायराइड की वजह से इरेगुलर पीरियड्स, हेवी ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल साइकिल का बढ़ जाना भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है। प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे की ग्रोथ में भी इफेक्ट पड़ सकता है बिकॉज ऑफ थायराइड। इसके अलावा मिसकैरेज, अर्ली डिलीवरी या स्टिल बर्थ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल्सो थायराइड की वजह से महिलाओं में मेनोपॉज आजकल जल्दी हो रहा है, कभी कभार तो 40 से पहले भी हो रहा है, जिससे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हम आपको ऐसे तो सफर नहीं करने देंगे। देखिए, थायराइड इंबैलेंस को आप सर्जरी, हार्मोन रिप्लेसमेंट या मेडिसिन के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। ये सब ट्रीटमेंट्स है थायराइड के लिए, लेकिन एक अच्छी लाइफस्टाइल और डाइट होना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं आप क्या क्या ऐसा खा सकते हैं, क्या क्या अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका थायराइड इंबैलेंस हम मैनेज कर सके। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स, चिकन और सी फूड को अपने डाइट में ऐड करिए, जिससे आपका जो थायराइड हार्मोन है वो बैलेंस पे रहेगा। अगर आप वेजिटेरियन है तो हरी भरी सब्जियां, चना, दाल और स्वीट पोटेटो को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको अवॉइड करनी है, वो हम आपको आगे बताते हैं। कुकिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स इंस्टेड ऑफ केमिकली प्रोसेस्ड ऑयल्स, जैसे कि कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। अगर आप ये यूज करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा एंड आपको वीकनेस भी कम फील होगी। एप्पल, कीवी एंड ऑरेंजेस को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। योगर्ट खाएंगे तो आपका जो गट हेल्थ है वो अच्छा रहेगा एंड आपका मेटाबॉलिज्म भी उससे इंप्रूव होगा। कोरिएंडर सीड्स आल्सो हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग थायराइड। इन्फ्लेमेशन घटाने के लिए आप बेरीज एंड जिंजर को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपको कौन कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए अगर आपको थायराइड है तो। वैसे तो इट्स वेरी अनलाइकली ऑफ समबडी टू सजेस्ट यू टू अवॉइड सम वेजिटेबल्स, बिकॉज सब्जियां सारी अच्छी होती है, लेकिन अगर आपको थायराइड है तो ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड ब्रुसेल्स स्प्राउट्स जो है वो कम क्वांटिटी में खाएं, ज्यादा क्वांटिटी में उनका कंजम्पशन ना करें, बिकॉज इससे आपका जो थायराइड हार्मोन है उसका जो प्रोडक्शन है वो बिगड़ सकता है। साथ ही साथ सब्जियों को कच्चा बिल्कुल मत खाइए, उन्हें हमेशा कुक करके खाइए। कुक करना है तो ऑयल को प्लीज अवॉइड करिए, अगर आप ऑयल यूज करते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में, लाइक वी सेड अर्लियर। केमिकली प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल का कंजम्पशन बिल्कुल भी मत करिए। साथ ही साथ कैफीन एंड अल्कोहल जो है वो आपके सिम्टम्स को वर्स करता है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ प्रोसेस्ड पैकेज फूड जैसे कि चिप्स, बिस्किट, नमकीन, इन सबको बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि इसमें भर भर के रिफाइंड शुगर है एंड बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है। रिफाइंड शुगर तो आपके लिए हार्मफुल है ही, इसके साथ साथ जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है उनसे भी
दूर रही है. वीट, बार्ले एंड राय जैसे ग्लूटेन वाले प्रोडक्ट्स एंड टोफू एंड सोया जैसे सोया प्रोडक्ट्स से भी दूर रहे. आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में थायराइड के लिए 7 डेज का डाइट चार्ट भी डाल दिया है फॉर बोथ हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट्स. आप उसको देख के उसको फॉलो कर सकते हैं. एक अच्छी डाइट के साथ साथ एक हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है. कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, डांसिंग, एनीथिंग दैट यू लाइक हैज टू बी इंक्लूडेड इन योर लाइफस्टाइल. इसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी मसल बिल्ड होगी जो कि थायराइड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी भी फील होगी एंड विद दिस एनर्जी यू ऑल्सो नीड रिलैक्सेशन जिसके लिए आप योगा एंड मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं. प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन काफी बढ़ जाता है क्योंकि ग्रोइंग बेबी को डेवलपमेंट के लिए थायराइड की जरूरत होती है. इस इंक्रीज डिमांड की वजह से थायराइड के फंक्शन में थोड़े टेम्पररी चेंजेस आ सकते हैं. इसके लिए आप TSH टेस्ट करवा सकते हैं एंड अपने डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं. साथ ही साथ डाइट लाइक वी मेंशन एंड फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल को अपने लाइफ में इंक्लूड करेंगे देन आप इसको कंट्रोल में कर सकते हैं. इसके साथ साथ अपना टेस्ट करवाते रहें एंड डॉक्टर से एडवाइस लेते रहें. यूजुअली हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन ज्यादा होता है क्योंकि उसमें जो थायराइड हार्मोन है वो कम सिक्रीट होते हैं. इसके लिए हमें क्या करना है, थायराइड हार्मोन को बैलेंस पे करना है. उसके लिए हमें क्या करना है, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन को टाइम पे लें, उनकी मेडिकेशन को फॉलो करें, एक स्पेशल डाइट लें उसको फॉलो करें स्ट्रिक्टली बिकॉज इट्स फॉर यू, आपकी बेटरमेंट के लिए वो डाइट होगी. स्ट्रेस कम लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें एंड आई नो इट्स इजियर सेट देन डन कि स्ट्रेस कम ले, लेकिन इफ नीडेड आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज भी कर सकते हैं या मेडिटेशन पे फोकस करें. ऑल्सो अच्छी नींद ले, हम अच्छी नींद को बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट करते हैं बट बेटर स्लीप टाइम विल हेल्प यू इन वेट लॉस. हर हफ्ते हम नए नए हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के साथ आते रहेंगे एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी वेरी सिंपल वे. फिटेलो के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. टेक केयर.